अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू MCPS ऑनलाइन क्लासेस। और ये आपकी क्लास सेकंड का फर्स्ट सब्जेक्ट हिंदी है, और इसमें आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट, ऊँट चला, जो कि एक कविता है। और मैं आपको इस कविता को एक्सप्लेन करूँगी। चैप्टर का नाम है ऊँट चला। पहले मैं इसको पढ़ूंगी, आप इसको अच्छे से दोहराना और बार बार दोहरा कर इसे याद करना। ओके बच्चों, ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला। एक ऊँट के बारे में बताया गया इसमें कि ऊँट कैसे चलता है, कैसा दिखता है, कैसे वो बोझड़ होता है, कैसे वो रेगिस्तान की मिट्टी में भी आराम से चल जाता है, तो उसके बारे में इस कविता में बताया गया है। तो हम इसको पढ़ेंगे और आप भी इसको पढ़ना और याद करना, ठीक है। ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला, इतना ऊँचा ऊँट चला भाई ऊँट चला, ऊँची गर्दन ऊँची पीठ, पीठ उठाए ऊँट चला। ऊँट जो चलता है उसकी गर्दन कितनी लंबी होती है और उसकी पीठ भी कितनी ऊँची होती है, तो ऐसे हिलता डुलता जो है वो ऊँट चलता जा रहा है। बालू है तो होने दो, बालू याने मिट्टी, बालू याने कि मिट्टी, बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो, नहीं फंसेगा बालू में भी ऊँट चला। यानी मिट्टी जो है वो मिट्टी है तो होने दो, ऊँट उसमें क्या करेगा, आराम से चल जाएगा। ऊँट कैसा होता, रेगिस्तान जो होता है ना, जहाँ बहुत सारे टीले होते हैं, मिट्टी होती है, उनमें भी वो क्या करता है, आराम से चलता रहता है, और उसमें वो फंसेगा नहीं, नहीं फंसेगा बालू में भी ऊँट चला। यानी बालू यानी मिट्टी में भी वो नहीं फंसेगा और वो उसमें भी आराम से चलता रहेगा। जब थक कर बैठेगा ऊँट, किस करवट बैठेगा ऊँट, बता सकेगा कौन भला, ऊँट चला भाई ऊँट चला। मतलब ऊँट जो है वो जब थक कर बैठता है तो किसी को पता नहीं होता है कि वो किस करवट बैठेगा, तो ये कौन बता सकता है, कोई नहीं बता सकता। तो ऐसी मिट्टी में भी वो क्या होता है, ऊँट जो है वो चलता रहता है। तो ये एक पोयम है, इसको आप अच्छे से याद करना और बार बार दोहरा कर इसको, जब आप बार बार दोहराएंगे तो आपको ये पोयम याद हो जाएगी। अच्छा, ये जो है एक NCERT की बुक है और उसका चैप्टर 1 है। आप इसको अपने फ़ोन में डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसके स्क्रीनशॉट जो हैं वो मैं आपको सेंड कर दूंगी, आप उसमें से देखकर भी याद कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको इसमें कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है, पढ़ाई से रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना है, तो आप क्या करेंगे, मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है उस पर, जो इसमें ग्रुप में है, आप उसके ऊपर मुझे मैसेज कर सकते हैं या उस पर मुझे कॉल कर सकते हैं 12 बजे से 3 बजे के बीच में, मंडे से लेकर सैटरडे तक, ठीक है। ओके बच्चों, तो आप इसको अच्छे से पढ़ना और याद करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।